मीडिया से बातचीत के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी कि आज कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन आज किया गया है, कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यहाँ मैं यह कहना प्रासंगिक समझता हूँ कि भारत सरकार के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। उसी समय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जो संवैधानिक दर्जा केंद्र सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को दिया है वही राज्य सरकार भी देगी। इसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। यहां पर एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि पूर्व की सरकार ने कभी इतनी चिंता पिछड़े वर्ग की नहीं की। 27% आरक्षण का झंझना पकड़ाकर जो इस तरह से उनको छला गया, उस 15 माह की पूर्ति माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार पिछड़े वर्ग इस आयोग का दर्जा देने के बाद में, संवैधानिक दर्जा देने के बाद में, साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें भूमिगत पाइपलाइन डालने की भी अनुमति कैबिनेट के द्वारा दी गई। 17,000 पटवारियों के द्वारा पटवारियों को अब मध्य प्रदेश के अंदर लैपटॉप दिलाया जाएगा। ये कार्य कंप्यूटराइजेशन को दृष्टिगत रखते हुए किया जा रहा है। इसी तरह से आज मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन और स्थापना के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आज गोहद जिला भिंड में 30 बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को बढ़ाकर 100 बिस्तर का सिविल अस्पताल बनाने का तय किया है। सिविल अस्पताल बरेली को 50 बिस्तर से 100 बिस्तर का, गैरतगंज रायसेन में 30 बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बिस्तर के सिविल अस्पताल, बदनावर धार में 30 बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का 50 बिस्तर के सिविल अस्पताल में, सुसनेर आगर मालवा में 30 बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बिस्तर का सिविल अस्पताल, इछावर सीहोर में 30 बिस्तर को 50 बिस्तर का, पूर्सा जिला मुरैना में 30 बिस्तर को 50 बिस्तर, सिलवानी जिला रायसेन में 30 बिस्तर के 50 बिस्तर, सुल्तानगंज बेगम खंड विकास खंड के बेगमगंज का 30 बिस्तर के स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन किया गया है। ग्राम खरवई विकास खंड सांची जिला रायसेन में नवीन स्वास्थ्य केंद्र के स्थापना का तय किया है। साचेत विकास खंड सांची जिला रायसेन में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्थापना का तय किया है और प्रतापगढ़ विकास खंड सिलवानी सांची में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 6 बिस्तर की स्थापना करा जाने का भी निर्णय किया है। नगर निगम में एक लंबे समय से मांग थी कि चंबल का पानी मुरैना आना चाहिए, उसकी पेयजल आवर्धन योजना जो थी और आसपास के जो निकाय थे उनमें जल आवर्धन योजना को भी आज स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश में संचालित यात्री बस वाहनों के देय मोटर कर यान में छूट प्रदान किए जाने वाले यानों को लंबित भुगतान एवं यानों के एकमुश्त भुगतान की अवधि 31/3/20 में वृद्धि करते हुए 31/3/21 और छूट देने का भी आज तय किया है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।